हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर पुराना ही ब्लॉग है। इसको हम शायद एक साल बाद पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोग प्लान किए हैं पारसनाथ जाने के लिए। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, इन लायकों का प्लान था, क्योंकि हमको पता है भाई चढ़ना मेरे लिए असंभव है। उतना हाइट पे कौन चढ़ेगा यार? हम लोग चढ़ जाएंगे ना भैया। और अभी तो सब बोल रहा है कि चढ़ जाएगा। हर्षित चढ़ जाएंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। कहाँ तक है बोलो? अभी से तुम्हारा हाथ पैर में दर्द हो गया ना? हाथ पैर में दर्द हो तुम लोग भी वहाँ पे 11 किलोमीटर दिख रहा है। काफी लंबा हो जाएगा 11 किलोमीटर आना भी तो है जाके। अभी 100 मीटर भी नहीं हुआ और इन लोग के पैरों में लचक आ गया। क्या हुआ हर्षित? इतने में थक गया और कहता था कि मी एंड यू का लाइफ गोल करेंगे एक दिन। मोटू डेल मिला रहा है। अरे मलाइका, अरे मलाइका इधर कैसे? मलाइका जी भाग रहे भाई। यहाँ तो हम लिफ्ट भी नहीं मांग सकते हैं। लिफ्ट का पैसा ले लेगा। एक बार आशुतोष, कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आशुतोष पता है कॉलेज आने के लिए लिफ्ट मांग रहा था। लिफ्ट नहीं दिया था भाई, पैसा मांग लिया था 20 रुपया। सही में 20 रुपया तू कॉलेज पहुँचा देता। अभी तो रैपिडो वाला होकर पागल। पता नहीं जो वाला उसके बाद सोचा इसके में हिम्मत नहीं हुआ लिफ्ट मांगने की दोबारा। उसके बाद से हम पैदल चले जाते लिफ्ट नहीं मांगते या घर से रैपिडो कर। अभी तो यार मौसम इतना अच्छा है तब ये हालत है। क्या ही कहें, धूप रहने पे क्या होता। चल ऐसा चला इसका जूता कबू पा रहा। जूता ठीक कर ले हर से। अरे भाई बैठ के करिए। क्या हो गया तुमको? चलो 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 जूता का 10:50 से बैठेंगे। हां हो गए। हां 10:31 हुआ, 10:50 से बैठेंगे। 20 मिनट पे होल्ड लेंगे। चलो पहुंच भी पाएंगे कैसे? बैठेंगे नहीं, पहुंचेंगे पहुंचेंगे। बैठेंगे कितना मिनट? बैठेंगे 3 मिनट और चलेंगे 20 मिनट। साला तड़का तड़का नहीं तड़का बोल तो। तड़का तड़का अरे तेरा मेरा बोल तो। तेरे मेरे, तेरे मेरे, क्या तेरे मेरे नहीं, तेरे मेरे, टेढ़े टेढ़े। हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, उतरना ज्यादा मुश्किल होगा हमको। यही उतरना, हम लोग 2 घंटा में उतर जाएगा पता है। जान चल चार कितना 2 घंटा में उतर जाएगा। पिछली बार क्या बोला? पिछली बार क्या बोला? ऐसा एक मौका और दिए। चल अरे एक मौका किनारे जमीन से इतना भी पहले उठा अभी कहाँ से उठे हुए? चल लगा ना करना एक बार देखा कितना। अरे चल ना अभी को चलते हुए देखे। चलो तुम चल लिया 50% पता है। झारखंड घूम लिया पूरा। आई क्विट। चलो 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 उठो। ढेर सारा इंक्लाइन चढ़ने के बाद अब स्टेप्स। थक गया ब्रो? साथ में हिंदी मीडियम से थका बे। दुख दर्द कष्ट पीड़ा साथ गिलानी और पता नहीं कितने किलोमीटर चढ़ चुके हैं हम लोग। अब जाके थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि व्यू मिल रहा, अच्छा लग रहा है। खुले हवा में सांस आ रहा है। पक्का ना यही ठीक रहेगा ना? सीढ़ी लग रहा है यार। जिससे पूछो कि भैया और कितना दूर है तो कह रहे हैं 2 घंटा 4 किलोमीटर। भैया कितना दूर है और? 2.5 किलोमीटर 1.5 घंटा। 5 किलोमीटर है अभी तक। 5 किलोमीटर बढ़ गया। अरे आना था जोड़ के ना। मैं ये सही बताइए भैया, कोई चार सही है, सही है। 5 किलोमीटर कितना घंटा? 5 किलोमीटर जाना है अभी। 3 घंटे ठीक। पता है उसमें से बीच में एक आया पालकी वाला। भैया छोड़ दे, उन्हें नहीं नहीं चाहिए। 5 किलोमीटर ना। अबे पता है 5 किलोमीटर ना। अबे मुश्किल से पता हार्डली। अबे हम लोग को शर्म करना चाहिए। देख रहा हम लोग पीछे लोग वेट लेके चल रहा है। हम लोग अपना वेट लेके नहीं चल पा रहे। पता जैसे ना फॉग बढ़ते जा रहा है, लग रहा है कि नजारा दिख रहा है। सुन ना यहाँ रखे ना, क्या कैमरा को यहाँ रखे। We'll sit here and then we'll take a picture. देखो भाई अगर इसको पारसनाथ आना है ना, पहले प्रैक्टिस कर लेना रोज रोज 5 किलोमीटर चलने का, फिर आना। ऑल ऑफ अस डेड वाला। ए भाई ए भाई ए हर्षित कहाँ जगह दीजिए। चाप भी भैया। अरे मोटू कभी से एक्टिंग फिल्म कर। यो ब्रो हो डायरेक्टर साहब। हाँ से खुद कब लगता है
और हमारे चेहरे पे बैंड बज चुका है अब थक के, बस किसी तरह पहुंच जाए। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होंगे, नजर भी नहीं आ रहा, एक दिन होता एक बज गया। ठीक है चलो, तो पूरा यहाँ से मधुबन दिखाई देता। थक गया हूँ यार, अब नहीं चला जा रहा। ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद लोकल लेन रोड मिला है। स्वर्ग में भी ऐसे रास्ते होते हैं सीधे सबसे वाले। क्या पुष्कर हमें जब से कहते आ रहा था कि भैया थोड़ा सा ऊंचाई चढ़ लेंगे ना तो आपको बराबर रोड मिलेगा। पुष्कर चिल्ला तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जोर से होगी तब तो चिल्लाएगा। ओए चलो, आंटी उधर क्या इंस्पिरेशन ही आ रहा है। बैठी है भाई, नहीं बैठी, थक गए एकदम यार, अब नहीं हिला जा रहा। कहाँ है ब्रो? सुनने में चले 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 बोला हमने बहुत सारे पारसनाथ के ब्लॉग देखे हैं, लेकिन यार ब्लॉग और एक्चुअल में फील करना ना दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्टूडियो का छोटा छोटा क्लिप दे दीजिए ताकि हम लोग को बता दें कि मसूद है। हाँ क्या था तो आ ही जाओगे। कौन आते तो बगल में तो खा लेंगे पहले। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में जा रहे हैं। नहीं अब तो ताकत आ गया ब्रो। नहीं और वो सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि अचानक से गायब हो जा रही है, पता नहीं। और बाकी अगल बगल तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा होगा। अभी काम चल रहा नहीं, हम लोग ऐसे टाइम पे आए भी हैं। यहाँ से पूरा मधुबन दिखाई देता है, लेकिन हम लोग जिस दिन आए हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो भीड़ भी नहीं यहाँ, दो चार जने ही दिख रहे हैं। वो यार आने के टाइम तो गर्मी बहुत थी, हीरो साहब गंजी पे आ गए थे, अभी ठंड। ऊपर से कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर रास्ता नहीं दिख रहा, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए भैया लोग जा रहे हैं, सब आराम से उतरना। पता नहीं, बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि कभी रास्ता दिखता है नहीं दिखता है। शॉर्टकट लेने के चक्कर में कहीं हम लोग जंगल में ना भटक जाएं। बहुत ही घना दिख रहा है मेरे को, तो इतना ज़्यादा ये स्टीप है, मतलब एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ रहा है। ऊपर से बारिश हो गई है, कोई भी शॉर्टकट एक ही लेन काम कर रहा है। मोटू नहीं हमारे साथ, मोटू
दौड़ के आगे निकल गया है, पता नहीं वो किधर होगा। बस चलते चलते फाइनली शाम हो गई। कितने बज गए भाई? भैया आपका हो गया 7:09, 7:09 हो गया भैया, 7:15 हो गया हम लोग पहुँचते पहुँचते, लेकिन अपना मंजिल कर लिया। नहीं था कि हम लोग जो करने गए थे वो नहीं हुआ। क्या क्या सोच? हाँ मतलब कि वहाँ से आसमान बहुत साफ दिखना था, वो वाला नहीं दिखाना हम लोग। आज हम लोग आज जो वो चीज़ देखे जो कैमरे में दिख सकते हैं, हम लोग जो वो चीज़ फील भी किया ना कि जो कैमरे में नहीं देख सकते हैं। बारसनाथ हिल आने के लिए भाई थोड़े से कैश लेकर साथ में चलें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डबल प्राइस में मिलती है, और उनका डबल प्राइस लेना भी जेन्युइन है, क्योंकि उतनी पहाड़ी पर अगर आपको कोई चीज़ देंगे तो ऑब्वियस है कि आपको डबल चार्ज करना पड़ेगा ही। इतनी मेहनत लगती है, उतनी दूरी पर सामान ले जाना और वहाँ से सेल करना, बस हम भूख से अब तड़प गए हैं। कुछ लोग हैं जो खा के और यहाँ पे डकार भी नहीं मार रहे हैं। है कहाँ है कुछ भैया? तुम लोग पहले उतरा उठ के बैठे हो कि कहीं नहीं? बस गाइस खत्म करते हैं ब्लॉग अब।